हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डियाडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं ऑलरेडी बताया था कि आज जो है ऐसे सुबह में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पेड कोर्स को लेकर के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अब जो है ना सिर्फ रिविजन करने का टाइम आ गया है। आप लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है ना। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है, कुछ एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, वो जल्द ही जल्द आपको टेस्ट जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ना, टेस्ट के बीच बीच में वो सारा जो है ना कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते चलेंगे। आपको इस क्लास में हम लोग बता दो कि हम लोग फिजिक्स जो देख रहे हैं, फिजिक्स में लाइट चैप्टर बचा हुआ है। लाइट जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, जिसका पार्ट थर्ड क्लासेज है और पॉलिटेक्निक 136 नंबर का क्लासेज है। ऑलरेडी 135 क्लासेज पॉलिटेक्निक का प्रोवाइड हो चुके हैं और ये पार्ट थर्ड क्लास आज से हम लोग इस लाइट चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज था। आपको पता ही है एग्जाम में लाइट चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होने वाला है। इसका आज हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे और इसका क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं आज कितना देर तक जो है क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में जो है और भी इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। मैं ऑलरेडी बताया भी था और ये इस चैप्टर से आपको बता दूं कि आपको लगभग 15 से 20 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। सभी लोग पेड स्टूडेंट अपना मेजोरिटी दिखाइए और बताइए कि आप जो आप लोगों को पीडीएफ जो प्रोवाइड कराया गया था, सभी बच्चे पढ़ के आए हैं ना जी? सभी बच्चे पीडीएफ को पढ़ के आए हैं ना? क्योंकि जो पढ़ के आया होगा वही आज क्लास का क्लासेज में फुल इंजॉय के साथ सारा क्वेश्चन को बनाएगा। क्योंकि पेड वाले ग्रुप में सारा कंटेंट सारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया गया था, तो आज जो है उसका हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बनाइएगा इस क्वेश्चन को सभी लोग। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना अवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। सभी लोग ट्राई कीजिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप जितना सिलेक्टेड देखिए जितना क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है ना, सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है। इसीलिए सभी लोग प्रैक्टिस डेली किया कीजिए। पेड ग्रुप में जितना लगभग 125 के लगभग पीडीएफ प्रोवाइड हो चुके हैं, उस सारा पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है ना। चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन स्टूडेंट बाजी मारते हैं। क्या गिवेन है जी? एफ गिवेन है। एफ कितना गिवेन है? 15 सेंटीमीटर गिवेन है। एम बराबर हम लोग एक फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला करवाया गया, वी बटा यू जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। एम कितना गिवन है जी? आवर्धन कितना? 3 गुना, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा? वी बटा यू हो जाएगा, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा? 3 यू हो जाएगा। एम का एफ का वैल्यू पता हो गया, वी का वैल्यू पता हो गया, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं लेंस का सूत्र से, लेंस का सूत्र से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, बिल्कुल होता है। 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 1/v का वैल्यू कितना? 3u है, 3u माइनस 1/u हो जाएगा। यू भी क्यों निकालें, यू क्यों नहीं निकालें? क्योंकि हमको यू का ही तो वैल्यू निकालना है ना। और इसको निकाल दीजिए, 1/15 बराबर क्या हो जाएगा? 3u एलसीएम आ जाएगा, 3u एलसीएम आ जाएगा, यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1/15 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2/3u आएगा ना। और यहाँ से 3u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। u बराबर माइनस 10, यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का माइनस में नहीं लिखा जाता, प्लस में होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस चैप्टर से, सभी लोग बनाइएगा, ठीक है ना। और आपको बता दें कि पेड ग्रुप में सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बस सभी को ध्यान से रखना। चलिए इसको बनाइए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, बनाइएगा सभी लोग, सभी लोग बनाइएगा जी। सभी लोग बनाइएगा। सभी लोग बनाइएगा। आपको 20 सेकंड समय दिया गया, देखते हैं कौन स्टूडेंट अपना बाजी मारते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। सभी लोग ट्राई कीजिए। क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, यानी कहने का मतलब हम लोग डी बराबर क्या जानते हैं जी, 1/f तो जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। यानी हमको फोकस यानी डायोप्टर निकालना है ना, उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, यानी कहने का मतलब लेंस की क्षमता निकालना है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है, डी बराबर 1/फोकस होता है, यानी कहने का मतलब 1/10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर है ना, एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 0.01 मीटर आ जाएगा। अब पॉइंट को हटा दीजिए तो क्या होगा, 10 ही तो बचेगा ना, 10, यानी कहने का मतलब 10 प्लस में होगा, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया ना, यहाँ से कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि लेंस की जो क्षमता होगी वो प्लस 10 डायोप्टर होगा। यानी ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। आगे क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बनाएगा इस क्वेश्चन को सब लोग बनाएगा जी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर, ओ सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मजा आ जाएगा सभी लोग, बस ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइएगा सभी लोग। एक सरल अनुवीक्षण यंत्र, कोई यंत्र है जिसका वर्धन कितना 5 है, इसमें लगे लेंस की फोकस दूरी निकालना है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी सब लोग निकाल दीजिएगा। और वर्धन बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया था, कौन फॉर्मूला बताया गया था जी, एम बराबर बताया गया था 1+dyf बताया गया था ना, एम बराबर 1+dyf बताया गया था, सब लोग बताइएगा ये फॉर्मूला आपको बताया गया था कि नहीं, सब लोग बताइएगा। पूरा फॉर्मूला का लिस्ट पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया, बताइए ये फॉर्मूला बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। वर्धन की क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी का, वर्धन की क्षमता आपको बताया गया था, सरल सूक्ष्मदर्शी का ही है, अनुवीक्षण और सूक्ष्मदर्शी मान के चलिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एम का वैल्यू वर्धन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 1+dd, अगर डी का वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो आपको मैं बताया था कि क्या बताया था जी, आपको बताया था ना कि मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है, तो डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर हो गया। हमको क्या निकालना है, लेंस के फोकस दूरी, एफ हमको निकालना है, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जी 1 को इधर कर दीजिए, यानी 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 25/f हो जाएगा, यानी 4/ क्या हो जाएगा, 25/f हो जाएगा, 4/25/f हो गया ना, बिल्कुल हो गया, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, 25/4 यानी 6.25 यानी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हम लोग लेंस की जो क्षमता है ना वो सेंटीमीटर में लिए हैं। यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए, जिन जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए वाले सभी लोग सही हैं जी। ऑप्शन ए जिन जिन स्टूडेंट का आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ा जाए बताइएगा, आगे बढ़ा जाए बताइएगा। चलिए फिर, एक स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ हाईएस्ट किए हो स्टडी इंडिया अड्डा से। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति दे रखा है 50 डायोप्टर, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का वर्धन क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसी टाइप का ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट बनाइएगा, मैं देख रहा हूं सभी से आंसर आना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलिए, बहुत लोग आंसर दे भी दिए हैं और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। क्या बताया गया था जी? एक पावर बराबर 1/f बताया गया था, 1/f सारा फॉर्मूला आपको बताया गया है। आपको यहाँ से f का वैल्यू निकाल दीजिए, सभी तो वर्धन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, यानी 1/p यानी पावर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, यानी 1/50 हो जाएगा। 1/50 कहने का मतलब 1/50 हो गया ना, बिल्कुल हो गया 50, यानी कहने का मतलब 0.02 हो गया, यानी f का वैल्यू आ गया 0.02 आ गया, f का वैल्यू 0.02 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। हम लोग आवर्धन क्या जानते हैं, आवर्धन हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, आवर्धन यानी m बराबर क्या जानते हैं जी, 1+dyf जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं, यानी 1+d कितना है, d का वैल्यू यानी d का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं लिया आएगा क्योंकि यहाँ पे मीटर में लिया आएगा, बिल्कुल मीटर में लिया आएगा, मीटर में लिया आएगा, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर में लिया आएगा तो 25 सेंटीमीटर को 0.25 हो जाएगा, बिल्कुल 0.25 बटा f का वैल्यू कितना है 0.02 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 और 25 27 बटा क्या आ गया, 2 आ गया, 27/2 यानी 13.5 आ गया, यानी m का जो वैल्यू आ गया ना वो 13.5 आ गया, 13.5 यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको बनाएगा सभी लोग, हजामत बनाने के लिए किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, रटवा दिया था सभी को रटवा दिया था, गलत नहीं कीजिएगा, मुझे उम्मीद है जो गलत करेगा वो पीट जाएगा, गलत नहीं करना है। बताइएगा सभी लोग, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी, मैंने आपको बताया था ट्रिक, क्या बताया था, नी का टा, टा का में आ रहा है आ रहा है, यानी अवतल दर्पण आएगा, निकट हजामत नजदीक से ही बनाइएगा ना, शीशा लगा करके जो नाई लोग जो बनाता है, यानी निकटा यानी अवतल दर्पण, जो स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी या बाल बनाते समय छोटे छोटे बाल भी बड़े दिखते हैं, जिससे नाई को हजामत बनाने में सुविधा होती है, समझे, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जा रहा है, मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा मानव आंख को दिखने वाली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सभी लोग बताइएगा जी, कितना होगा, 600 नैनोमीटर होगा, आपको टेबल बताया गया था और बोला गया तो याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है जी, प्रकाश वर्ष बताइएगा, आपको पता होगा प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग पूछा जाता है, प्रकाश का वेग याद है किसी को, प्रकाश का वेग याद है किसी को, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और एक वर्ष में कहने का मतलब एक प्रकाश वर्ष पर, और डायरेक्ट याद कीजिए 9.46×10^12 9.46×10^12 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मोन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन को बताइएगा, एक अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रहा है, एक अपसारी लेंस द्वारा निर्मित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता, क्या नहीं हो सकता, बताना है सभी लोग, एक अपसारी लेंस द्वारा निर्मित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता, क्या नहीं कभी हो सकता, ये वास्तविक कभी नहीं हो सकता, इसका प्रॉपर्टी जो होता है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, इससे वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इससे कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जब फोकस दूरी f वाले एक अभिसारी लेंस का प्रयोग आवर्धन कांच के रूप में किया जाता है, तब वस्तु की दूरी अनिवार्यतः क्या होती है, वस्तु की दूरी अनिवार्यतः क्या होती है जी, बताइएगा सभी लोग, वस्तु की दूरी अनिवार्यतः क्या होती है, सभी लोग बताइएगा,
एफ से कम होती है, फोकस से कम होती है, टेबल में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आंख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता वह होता है, क्या होता है बताइएगा। आंख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वो क्या होता है। आंख का लेंस की बात हो रहा है जी, मनुष्य का ह्यूमन आई की बात हो रहा है, वास्तविक और प्रतिलोम यानी उल्टा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन कीजिए, इस क्वेश्चन को बताइएगा। एक अंधेरे कमरे में एक हरे पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती कैसा प्रतीत होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बनाइएगा सभी लोग, सभी लोग बनाइएगा। एक अंधेरे कमरे में एक हरे पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो वो पत्ती कैसा प्रतीत होता है जी। बताइएगा सभी लोग, बताइएगा सभी लोग। सभी लोग बताइएगा। सभी संसार आना से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं करना है। ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना, ऑप्शन डी काली ब्लैक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। अंधेरे कमरे में जब एक हरी पत्ती को लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है ना तो वो हमेशा काली प्रतीत होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, बनाएगा क्या है। यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु को अवर्धित कर सकता है, कितना गुना कर सकता है। 20 सेकंड आपको समय दिया गया है, सभी लोग बनाएगा। बनाएगा सभी लोग, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो 11 गुना वो करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन बी जो बोल रहे हो 11 गुना कैसे होगा वो चीज देखिए, निकालने वाले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। वस्तु का आवर्धन हम लोग आवर्धन यानी m बराबर क्या बताया गया था जी, 1+DYF बताया गया ना, 1+DYF बताया गया, बिल्कुल बताया गया है। यानी कहने का मतलब 1+ और सेंटीमीटर को जो है ना ये कितना दे रखा है जी, हाँ डी वाई एफ डी कितना हो जाएगा, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में यूज करेंगे। यानी 25/ एफ कितना दे रखा है, एफ का वैल्यू कितना गिवन है 2.5 मीटर गिवन है ना, 2.5 यानी 2.5 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यानी 1+ क्या होगा जी, 1+ 25/2.5 यानी कहने का मतलब 25 एक पॉइंट हट गया यानी 10 वन हो जाएगा, वन हो जाएगा यानी कहने का मतलब 10 एक 11 11 गुना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना। आए क्वेश्चन को मोहन करते, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सब लोग बनाना। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार आपसे पूछा जा रहा है, बनाएगा सभी लोग। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की बात की कर रहा है जी, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की बात कर रहा है।
कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मैं देख रहा हूँ सभी से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे? जब वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करता है ना तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। ये सभी जो है करवा गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है वो चीज को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हवा के बुलबुले का पानी के अंदर चमकते नजर आने का क्या कारण? देखिए सारा चीज करवाया गया ना, इम्पोर्टेंट वीवीएल लगवाया गया था। हवा के बुलबुले का पानी के अंदर चमकते नजर आने का मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है, सभी लोग बताइएगा। हवा के बुलबुले का पानी के अंदर चमकते नजर आने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण परिवर्तन के कारण हवा के बुलबुले पानी के अंदर चमकते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? ये स्टूडेंट कोई गड़बड़ नहीं करेगा जी, पूरा टेबल बोला था याद करने के लिए आप लोगों को, पूरा टेबल को याद करने के लिए बोला गया था, याद किए हो। सभी लोग सेंसर आना चाहिए। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं ना तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस कौन सा है? मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस कौन सा है जी, बताइएगा सभी लोग, कौन सा लेंस यूज करते हैं? पूरा चीज करवाया गया, पूरा मैं हाईलाइट करके बताया था, ये सारा चीज हाईलाइट करके बताया था। बताइए सभी लोग, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना, ऑप्शन बी। मानव नेत्र में निकट दृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस जो है अवतल दर्पण होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है, और निकट और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, इसको बनाइएगा। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? तरंग दैर्ध्य वाला क्वेश्चन आ गया ना, तरंग दैर्ध्य वाला क्वेश्चन आ गया, बनाएगा सभी लोग, तरंग दैर्ध्य वाला क्वेश्चन आ गया, सभी लोग बनाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है जी? प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है? ऑप्शन सी यानी नीला का होता है, ठीक है ना, आपको बताया गया था ना, रेड ऑरेंज येलो ई बी इंडिगो वायलेट, ठीक है ना। कैसे होगा? इधर से अगर इधर की ओर जाएगा ना, इधर की ओर आएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे इधर की ओर आएगा ना, इधर की ओर, ये घटते क्रम में है, ये जो है घटते क्रम है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब नीला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आए क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कैसे होते हैं? सभी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होते हैं जी? सभी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होते हैं, सभी लोग बताइएगा। रियल इमेज हमेशा पर्दे पर प्रतीत होते हैं, ऑप्शन सी जो बोल रहे हो करेक्ट आंसर बोल रहे हो। सभी वास्तविक प्रतिबिंब सीधा व उल्टा हो सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं पर्दे पर इसको प्रतीत कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला
क्वेश्चन को मौन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? एक अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बताइएगा जी, सब लोग बताइएगा। आभासी बनेगा, आकार में समान बनेगा, आकार में छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, सब लोग बताइएगा। सभी स्टूडेंट बनाइएगा। एक अभिसारी लेंस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उल्टा बनेगा, बिल्कुल उल्टा बनेगा। ऑप्शन डी जो बोल रहा हूँ, करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव लेंस एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु का क्या कंडीशन होना चाहिए? बनाइएगा सभी लोग, क्या कंडीशन होना चाहिए जी, वस्तु का क्या कंडीशन होना चाहिए? जब एक अवतल दर्पण कॉन्केव लेंस एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी जो होता है ना, वस्तु की दूरी फोकस से कम, एफ से कम पर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, और सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी वाले। एक अवतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तब बनाती है जब वस्तु की दूरी जो है ना एफ से कम होती है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसको कि वस्तु एफ तथा पोल यानी ध्रुव के बीच में स्थित हो सकता है। टेबल में सारा चीज दिया गया था और आपको बोला भी गया था, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए पूछा गया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन को मोहन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएगा, एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? बताइएगा सभी लोग, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जी, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा जी, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक, एक, ये सब कुछ नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम, अधिक या बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, लेकिन तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, तीन में से कोई भी, इनमें से कोई भी हो सकता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताइएगा। दृश्य विकिरण की आवृत्ति परास क्या होता है? दृश्य विकिरण का आवृत्ति परास क्या होता है जी, दृश्य विकिरण का आवृत्ति परास क्या होता है? रेंज आपसे पूछा जा रहा है, 10^15 हर्ट्ज तक होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको बताइएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, बताइएगा सभी लोग। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, सभी लोग बताइएगा। 500 सेकंड, 600 सेकंड, 460 सेकंड, 460 सेकंड होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है जी, बताइएगा सभी लोग। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जो होता है ना, उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक में जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक में जाता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जा रहा है, इस क्वेश्चन को बताइएगा। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, बताइएगा। एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में आपसे पूछा जा रहा है, 1 light year इज इक्वल टू, बताइएगा सभी लोग।
वन लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है जी, मीटर में ना, वैसे तो अगर देखा जाए ना तो होता है 9.461 × 10^15 मीटर होता है, ठीक है ना, वन लाइट ईयर, ईयर इज इक्वल टू, लेकिन वैसा तो है यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो जो आंसर होगा 10^16 मीटर होगा, ठीक है ना, 10^16 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, उगते तथा डूबते सूरज के लाल होने का क्या कारण है, उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का क्या कारण है जी, बताइएगा सभी लोग, उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का क्या कारण है, सभी लोग बताइएगा, उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का क्या कारण है, उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का क्या कारण है, सभी लोग बताइएगा, ये जो है ना नीले एवं बैंगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होना, इसी कारण है जो होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर नाम्यांतर के दो उत्तल लेंस खगोलीय दूरबीन बनाने के लिए लगाए गए हैं, यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अनंत पर है तो लेंसों के बीच की दूरी क्या होगा, लेंसों के बीच की दूरी क्या होगा, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताइएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, और दोनों लेंसों के फोकस लेंसों के बीच की दूरी सारा फॉर्मूला करवाया गया है, लेंस के सॉरी लेंस ऐसे थोड़ी होगा, लेंसों के बीच की दूरी लेंसों के बीच की दूरी क्या होता है जी, FO माइनस FQ बताया गया था, यानी FO 5 दे रखा है सॉरी प्लस में होगा, और FE 20 दे रखा है, यानी 25 सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सेंटीमीटर दोनों ऐड हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, जिन जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बताइएगा, सर्च लाइट में कैसा दर्पण परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में कैसा दर्पण परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है, चलो बताइएगा, ये सारा चीज करवाया गया है, सर्च लाइट की बात हो रहा है ना, तो सर्च लाइट में जो यूज होता है ना, और सर्च लाइट में परवल्ले होता है जी, लाइट में जो होता है परवल्ला, परवल्याकार साइज का होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, इस क्वेश्चन को बताइएगा, एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति का प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंग की तरंग दर्ज क्या होगा, रेडियो तरंग का तरंग दर्ज क्या होगा, बताइएगा सभी लोग, रेडियो तरंग का तरंग दर्ज क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंगों का तरंग दर्ज क्या होगा, एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति का प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंगों के तरंग दर्ज क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा बनाने में, इसका जो रेंज होता है ना 3.66 × 10^2 मीटर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा वो चीज को देखते हैं, बनाइएगा सभी लोग, देखिएगा सी बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, यानी लैम्डा बराबर क्या हो गया जी, सी वाई एफ हो जाएगा, सॉरी सी वाई एफ हो जाएगा, सारा फॉर्मूला करवाया गया है, यानी सी का वैल्यू क्या होता है, क्या अपना होता है जी, लाइट अभी सभी बताया गया ना, 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड होता है। एफ का वैल्यू कितना गिवन है, एफ का वैल्यू 819 फ्रीक्वेंसी कितना है, 819 किलोहर्ट्ज़ है,
819 किलो हर्ज है, बिल्कुल एफ का वैल्यू 819 किलो हर्ज दे रखा है, यानी किलो हर्ज को हर्ज में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 819 × 10^2 किलो से हटा दे तो 10^3 हो जाएगा, 3 हर्ज हो जाएगा। हमको लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर सी बाई एफ होता है, सी का वैल्यू क्या है 3×10^8 है और एफ का वैल्यू क्या है 819×10^3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 3.66×10^2 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, और भी इसका क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसका क्वेश्चन और भी करवाया जाएगा जी, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर था और स्कोरिंग चैप्टर है, इसको एक क्लासेज और करवाया जाएगा, टोटल 4 क्लासेज में जो है नेक्स्ट क्लासेज में बाकी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी क्लास नंबर इसका जो होगा पार्ट नंबर 4 होगा, पार्ट 4 में मोहन करेंगे, ठीक है। वहां पे सारा हम लोग और भी कुछ बचे हुए और भी क्वेश्चन इसका जो है कुछ बचा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी लोग, और दूसरों तक जो है ना हर जगह शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, और वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा। लाइक आप लोग क्यों नहीं करते हो, इतना मेहनत करके आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जाता है सारा कंटेंट, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, वीडियो को लाइक और क्या कीजिए। इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, एक चैप्टर कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, उसको भी जल्द से जल्द करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक क्लास से जो है एक लेक्चर प्रोवाइड होगा टेस्ट का, पॉलिटेक्निक का टेस्ट का, उसमें हम लोग जैसे मैम टेस्ट ले रही है उसी तरीका से और भी क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।